अच्छा जी, वीडियो जो है ना मैंने शूट कर ली थी ASMR बीस्ट की, और मैं अभी रिकॉर्ड कर रही थी CS ASMR की वीडियो। और उसको रिकॉर्ड करते हुए ना जिस टेक्सचर की मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी वो एक्चुअली टेक्सचर हो गया है हार्ड। ठीक है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और उसकी मैंने कुछ क्रम्बलिंग की और बाकी कंप्लीट क्रम्बलिंग करने की मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हुई। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको छोड़ दिया है, और मैंने जितना पार्ट क्रम्बल किया है वो मैं पार्ट जो है ना वो ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। ठीक है, और आज के लिए जो है ना वीडियो से माजत, क्योंकि बाकी टेक्सचर ड्राई नहीं है और क्ले वाला टेक्सचर कल इंशाल्लाह मैं शूट करूँगी, और बाकी सब डैम्प पड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, और जो है ना बाकी टेक्सचर्स को टाइम लगेगा ड्राई होने में, साथ साथ जो है ना इस तरह जितनी पॉसिबल होती रहेंगी वीडियो। क्ले वाले टेक्सचर की कल वीडियो शूट करूँगी मैं, क्योंकि इस टाइम फिर अंधेरा हो गया। अब मैं दोबारा से न्यू वीडियो की तैयारी करूँ और दूसरी वीडियो बनाऊँ तो जो है ना काफ़ी टाइम लग जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि क्ले वाली वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे से ज़्यादा लेती है, 30 to 40 minutes लेती है रिकॉर्ड होने में, और बहुत लेंथी होती है। उसको एडिट करने के बाद फिर जो आके जो है ना कुछ 8-10 मिनट की वीडियो निकलती है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली वो प्योर सीमेंट इतना रीयूज्ड नहीं था, अभी हार्ड था, उसमें हार्डनेस बाकी थी और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया था इस टेक्सचर में। तो उसमें थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा ऐड किया जिसकी वजह से ये जो है ना हार्ड हो गया, और मुझे था कि ये अभी हार्ड नहीं होगा, लेकिन उसमें जो है ना हार्डनेस बाकी थी, और जब मैंने उसको मिक्स किया पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से ना ये टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा हो गया हार्ड। यह देखिए, ये टूट भी नहीं रहा था, और स्पून के साथ जो है ना मैंने इस तरह क्रश कर करके इसको तोड़ा है तो ये नहीं टूट रहा था। और इसकी जितनी मैंने क्रम्बलिंग की है वो मैं इसी व्लॉग में ऐड कर दूंगी, क्योंकि उसकी मैं वीडियो नहीं शूट करी और ना ही वो वीडियो मुझसे एडिट होनी थी, क्योंकि इस कदर हार्ड और हाथ इतने पेन हो रहे थे ना, ये हाथ मेरे रेड हो गए हैं। तो वो मैंने कहा कि इससे पहले कि हाथों का कबाड़ा हो जाए तो बस छोड़ देते हैं इसको, और कल मैं इसको जो है ना किसी चीज़ के साथ क्रश करके इसको दोबारा से हल्के पानी में मतलब प्रिपेयर करूँगी, और इस तरह ज़्यादा पानी में प्रिपेयर नहीं करूँगी जिस तरह मैंने इसको अब किया था ज़्यादा पानी में प्रिपेयर। ठीक है, तो ये उस वजह से ये देखें यह हार्ड हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना इंशाल्लाह वो क्रम्बलिंग वाली वीडियो जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि एडिट ना ही करूं, और उसमें अगर कोई पार्ट ऐसा हुआ एडिट करने वाला तो कर दूंगी, वैसे था कुछ भी नहीं बट फिर भी। ठीक है, तो ये देखें इस कदर ये हार्ड हुआ हुआ था और टूट भी नहीं रहा था। ठीक है, तो वो अगर आप लोगों ने क्रम्बलिंग देखनी हो जिसको हार्ड क्रम्बलिंग पसंद है तो आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप लोगों को हार्ड क्रम्बलिंग नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं। मुझे पर्सनली सॉफ्ट क्रम्बलिंग पसंद है तो मैं सॉफ्ट क्रम्बलिंग ज़्यादा देखती हूँ। कुछ लोगों को पसंद है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे पता है कि मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको हार्ड क्रम्बलिंग पसंद है, यानी जो इस तरह के थोड़े टेक्सचर हार्ड हो जाते हैं ना तो इस तरह के क्रम्बलिंग पसंद है। बट जब बंदा खुद करने बैठता है ना तो लग पता जाता है हाथों का बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभार शौक पूरा करना हो वो अलग बात है। तो इस तरह से फिर अब क्या करेंगे, इसको मैं यहीं पे छोड़ती हूँ, और हो सकता है मैं कल इसका व्लॉग रिकॉर्ड करने के बाद ही इसको प्रिपेयर करूँ। क्या कहते हैं आप लोग, इसका व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, व्लॉग के अंदर क्रम्बलिंग करूँ। अच्छा, मैं देखूँगी इसको। ठीक है, तो अभी व्लॉग को इधर मैं एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही अब नेक्स्ट कोई वीडियो और रिकॉर्ड करने की, ऑलरेडी काफ़ी टाइम ज़ाया हो चुका है। तो बस अभी वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ, और आज मैं कोशिश कर, अगर मेरे पास मैं देखती हूँ जाके फ़ोन में अगर कोई वीडियो पड़ी हुई है तो वो मैं जो है ना अपलोड कर दूँगी, अगर नहीं पड़ी हुई तो फिर जो है ना मैं सिर्फ व्लॉग ही अपलोड कर दूँगी, और आप लोग जो है ना वो व्लॉग ही देख लीजिएगा, और या फिर व्लॉग अपलोड कर दूँगी ये वाला, या फिर मैं ओल्ड कोई वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो देखूंगी जो मुझे जो है ना जो सही लगी। ठीक है, तो बस ब्लॉग इधर एंड करते हैं, बाय बाय।